नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल एंड चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है, कौन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, हु वांट्स टू प्रपोज यू। ओके, आपको कौन प्रपोज करना चाहता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, ये है आज की रीडिंग की टॉपिक। ओके, सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर वन के लिए है रेड साइकिल, रेड। ओके, एंड ऑप्शन नंबर टू के लिए है येलो साइकिल। ओके, रेड एंड येलो, जो भी साइकिल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। ओके, रेड साइकिल ऑप्शन वन के लिए एंड येलो साइकिल है ऑप्शन टू के लिए, मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, हाय ऑप्शन नंबर वन, अगर आप लोगों ने इस रेड साइकिल को चूज़ किया तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन है वो शख्स जो आपको प्रपोज करना चाहता है। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन वन के जो व्यूअर्स हैं उनको कौन प्रपोज करना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो कौन है शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे सुनाई दे रहा है लियो, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ये उनका सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन हो सकता है, ठीक है। और भी साइंस होंगे वो मैं कार्ड से देखूंगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये सुनाई दे रहा है। ये जो भी शख्स है इमोशनल है, ओके, इनका इंट्यूशन भी काफ़ी हद तक काम करता है। हो सकता है पहले इनका इंट्यूशन उतना ज़्यादा काम नहीं करता था, बट अभी मुझे मैसेज आ रहा है कि अभी इनका इंट्यूशन काफ़ी हद तक काम करता है। ये एक ऐसा शख्स है, इनकी सूरत देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही मासूम सा चेहरा है, बहुत ही मासूम सा इंसान है, या भोली सी सूरत मुझे सुनाई दे रहा है, भोली सी सूरत। ओके, मासूम सा चेहरा है, चाहे वह अंदर से जैसे भी हो, लेकिन देखोगे तो लगेगा कि मासूम सा इंसान है, ऑनेस्ट है, इस टाइप का आपको वाइब्स आएगा। साथ ही साथ इस इंसान को विंटर सीजन काफ़ी पसंद है, थोड़े ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल आउटफिट्स इनको काफ़ी पसंद है, ट्रेडिशनल अटायर पहनना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। या इनका स्किन टोन हल्का सांवला हो सकता है, लाइट ब्राउन कलर मुझे दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है कि इस शख्स की ऑरा जो है वो ब्लू कलर का हो, ऑरा इनका। मजेंटा, ये कलर उनको काफ़ी अच्छा लगता है, रेड भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो भी शख्स है काफ़ी पैशनेट इंसान है। कौन है वो शख्स, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, कौन है वो शख्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनको चाइनीज़ कल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट है, चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ जापनीज जो कल्चर होता है ना, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें दिखाया जाता है वीडियोस वगैरह में वो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। स्पेशली जो चाइनीज़ अम्ब्रेला नहीं होता है, चुटचुड़े अम्ब्रेला, छोटा हो या बड़ा हो, चाइनीज़ अम्ब्रेला इनको काफ़ी अच्छा लगता है। चाइनीज़ फीमेल्स जो ड्रेसेस पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस आउटफिट, वो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। चाइनीज़ फूड में इनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अदर चीज़ें चाइनीज़ की जो होते हैं वो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि चाइनीज़ लोगों के घर का जो डेकोरेशन होता है बाहर से, जिस हिसाब से उनका घर बनाया जाता है, बहुत ही यूनिक टाइप का होता है ना, तो वो भी इनको काफ़ी पसंद है। इस शख्स को शाम का टाइम काफ़ी अच्छा लगता है, शाम मीन्स कम्प्लीट शाम भी नहीं बोलूँगी, लाइक दोपहर के तीन बजे के टाइम पे जो हल्का सा धूप निकलता है ना, जैसे कि सूरज डूबेगा कुछ ही टाइम बाद, सूरज मानो डूबेगा, हालांकि जगह वाइज दोपहर के तीन बजे अलग अलग होता है सिनेरियो, बट मैं तो आसाम से हूँ, तो आसाम में दोपहर के तीन बजे वो कड़कता धूप नहीं होता है, मोस्टली धूप हल्का होने लगता है धीरे धीरे। तो वो इस वजह से मैंने बोला कि तीन बजे का टाइम, लेकिन हाँ बाकी मुंबई दिल्ली एरिया पर सनसेट देर से होता है, लेट से होता है, तो आप लोग की वहाँ पर डिफरेंट होगा। बट बेसिकली जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, शाम होने से पहले का जो नज़ारा होता है, जैसे कि सूरज हल्का हल्का डूबने लगता है ना, उस वक्त जो गोल्डन कलर का एक रे निकलता है, गोल्डन कलर का जो एक रोशनी निकलता है,
वो जो टाइम होता है वो इस शख्स को बहुत पसंद है। इस शख्स को ढलता हुआ सूरज देखना भी काफ़ी पसंद है। और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इस शख्स के लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है जिससे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो रहे हैं, लाइक दिल टूटना, कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है इस शख्स से। कुछ ऐसे सिचुएशन इनके लाइफ में इस वक्त चल रहा है, एंडिंग हो रहा है किसी चीज़ का, पॉसिबिलिटी है कि कार्मिक साइकिल का, बट एंडिंग हो गया, हो रहा है। ओके, हो गया है मैंने बोला, तो हो सकता है हो गया है एंडिंग। ओके, बट मुझे ये मिल रहा है कि एंडिंग होने वाला है बहुत जल्द। पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में किसी चीज़ का एंडिंग होगा इस शख्स के लाइफ में। इनको अलादीन कार्टून अच्छा लगता है, अलादीन। आई होप कि आप लोगों ने भी देखा हो, 90s किड्स हैं आप तो आपने डेफिनेटली देखा होगा। मैं भी 90s की ही किड्स हूँ। ओके, 90s किड। और अलादीन की जैस्मिन का रोल इनको काफ़ी अच्छा लगता है। जैस्मिन के हेयर इनको काफ़ी पसंद है। अलादीन कार्टून में जैस्मिन का हेयर कैसी होती है, बहुत ही खूबसूरत से लॉन्ग है ना, घने लॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत। और जैस्मिन की फिगर भी बहुत खूबसूरत होता है, तो उन्हें जैस्मिन का लुक बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जैस्मिन की हेयर। काफ़ी यूनिक मैसेजेस आ रहे हैं मुझे इस शख्स से, और मेरा हाथ साइकिल से हट ही नहीं रहा है, बस मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। लेट्स सी और क्या क्या पता चलता है इस शख्स के बारे में। कौन है ये शख्स, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए हु इज़ ही और शी। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है ये नेचर आपका है तो आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। कई बार व्यूअर्स की एनर्जी भी मैं पिक कर लेती हूँ। ऑप्शन वन के जो व्यूअर्स हैं उनको कौन प्रपोज करना चाहते हैं, मन ही मन में जो इनको पसंद करते हैं, कौन है वो शख्स, कौन प्रपोज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है डेथ। मैं अभी क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी ना कि इनके लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर देखिए डेथ, डेथ, डेथ एंड रीबर्थ, कुछ ख़त्म हो रहा है इनके लाइफ में, कार्मिक साइकिल जो मैं बोल रही थी। वो कौन है शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। हो सकता है आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, ओके, डेफिनेटली जानते होंगे, तभी तो ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है। तो ये जो भी शख्स है इस वक्त आपसे, मुझे लगता है कि कोल्ड एंड डिटैच टाइप से मतलब बिहेव कर रहे हैं ये, ना तो बातचीत कर रहे हैं ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। शायद बातचीत ही टोटली बंद हो, अगर कर भी रहे हैं तो काफ़ी हार्शली बिहेव कर रहे होंगे आपके साथ, उतने सही तरह से तो बिहेव नहीं कर रहे होंगे, वाइब्स मुझे आ रहा है। थैंक यू। यहाँ पर है फाइव ऑफ कॉइंस। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन उनके व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। द एम्प्रेस, थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ कप्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, हाँ वैसे ही बोला था। ओके, ये जो भी शख्स है यहाँ पर साइंस और अवेलेबल है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पर स्ट्रांग है, टॉरस वर्को कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस मैंने पहले भी बोला था, जब मैंने साइकिल लिया था तभी मैंने बोल दिया था। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, ये जो शख्स है एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन इस वक्त काम कर रहा है, इससे पहले इनका इंट्यूशन ब्लॉक था और अभी इनका इंट्यूशन काम कर रहा है। ये मैंने पहले भी बोला था और यहाँ कार्ड से भी मुझे सही मैसेज आ रहा है, इनका इंट्यूशन इस वक्त काम कर रहा है। पास में इस शख्स के साथ आपका डेफिनेटली कोई इशू रहा होगा, ईगो इशू रहा होगा, डेफिनेटली आप लोग इस शख्स को जानते हो। ऐसा नहीं कि ये इंसान आपको जानते हैं आप इनको नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है। ये शख्स भी आपको जानते हैं, आप भी इनको जानते हो, दोनों ही एक दूसरे को जानते हो। एंड पास में कुछ तो इशू हुआ था और मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट के वजह से आप दोनों के बीच टकराव हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर बातचीत बंद। पॉसिबिलिटी है कि इस पार्ट को किसी ऐसे लोगों ने चूज़ किया है जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि ये शख्स आपको छोड़कर किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए, या फिर अपने भाई बहन के वजह से आपके साथ नाता तोड़ दिया, या फिर अपने माँ बाप के इन्वॉल्वमेंट के वजह से आपके साथ नाता तोड़ दिया,
ये भी पॉसिबिलिटी है, बट मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर किसी फीमेल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। किसी फीमेल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के वजह से इस शख्स ने कहीं ना कहीं आपके साथ काफ़ी बेरुखी से बात किया, आपके साथ काफ़ी बेरुखी से बिहेव किया, ईगो क्लैशेस हुए और एट द एंड आपने डिसाइड किया कि ठीक है कोई बात नहीं, यही सही, अगर आपको यही सही लगता है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ आपकी लाइफ से। ओके, यू नो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है राइट नाउ, जो मुझे दिख रहा है कि ये इस वक्त इस शख्स को इस बात का गिल्ट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, जिसके लिए वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, अभी उसी इंसान से इनको कर्मा मिल रहा है, ये वो शख्स है। अगर ये लगता है कि अगर ये एनर्जी आपका है तो आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सब आपके साथ हो रहा है इस वक्त, यू नो, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इस शख्स के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिन्होंने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया, अभी उन्हें उसी इंसान की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान इस वक्त गुजर रहे हैं, अपने पुराने ओल्ड शेल्फ को पीछे छोड़कर अब एक न्यू शेल्फ में एंटर कर रहे हैं ये शख्स, एक न्यू पर्सनैलिटी बन के। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ये शख्स जब आपके सामने आएंगे टोटली एक न्यू पर्सनैलिटी बन के आएंगे, कुछ लोगों के लिए ये शख्स आपसे एज में यंग हो सकते हैं या फिर इमेच्योर, पास में इन्होंने काफ़ी इमेच्योरली आपके साथ बिहेव किया, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी इमेच्योर तरह से उन्होंने आपके साथ बात किया। ओके, मैंने यहाँ पर शायद फाइव ऑफ पेंटिकल्स बोला था, नहीं ये फोर ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, ओके फाइव ऑफ कॉइंस है, बट हाँ यहाँ पर फोर है और एक बड़ा वाला मिडिल में है, सॉरी यार सही बोला था मैंने, फाइव ऑफ कॉइंस ही है। तो ये एक चीज़ है, डेफिनेटली यहाँ पर ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोग आई थिंक बहुत दिनों से ब्लॉक्ड है, तो कुछ लोग ऐसा है कि ब्लॉक होते हैं फिर अनब्लॉक होते हैं, ब्लॉक होते हैं फिर अनब्लॉक होते हैं, कुछ ऐसा है। अगर आप हर जगह से ब्लॉक्ड है फिर भी ये इंसान आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा ही लेते हैं, ठीक है ना, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ये इंसान आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से उनको पता चल ही जाता है आपके बारे में, और वो आपको काफ़ी मासूम इंसान के तौर पर देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप काफ़ी मासूम हैं, आप प्योर हार्टेड हैं, आपका दिल काफ़ी साफ़ है, और राइट नाउ ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी है कि प्रपोजल से भी ज़्यादा शादी से रिलेटेड कमिटमेंट हो सकता है, कि स्टार्टिंग में वो डायरेक्टली आपको शादी के बारे में ना बोले, स्टार्टिंग में आपको वो फ्रेंडशिप करेंगे कि पास में जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर फिर से स्टार्ट करते हैं, यू नो, और हल्का फुल्का फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका इंटेंशन क्या है वो जान सके क्लियरली। ओके, उसके बाद वो शादी की बात बोलेंगे, क्योंकि मुझे इस वक्त वो चीज़ दिख रहा है कि इस शख्स को इस वक्त शादी से रिलेटेड वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि वो शादी करना चाहते हैं आपसे, यहाँ बात सिर्फ प्रपोजल तक ही नहीं है। इस शख्स का एक प्रॉब्लम ये है कि ये पास्ट को भुला नहीं पाते हैं इतना ईजिली, पास्ट में चाहे इन्होंने कुछ मिस्टेक किया हो या आपने कुछ मिस्टेक किया हो, लेकिन ये शख्स पास्ट को ईजिली भुला नहीं पाते हैं, ये इस इंसान की काफ़ी माइनर मतलब एक कमज़ोरी है बहुत बड़ा। ओके, और इस वजह से इस शख्स को टाइम लगता है। ओके, खुद को माफ़ करने में भी टाइम लगता है, दूसरे को माफ़ करने में भी इनको टाइम लगता है, ये एक चीज़ है, ईगो इशू है इस शख्स में नो डाउट, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसमें इनकी ईगो को निचोड़ा जा रहा है। ओके, इनकी ईगो को निचोड़ा जा रहा है, कौन है ये शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहता है प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच। फायर एनर्जी मुझे सुनाई दे रहा है, एरीज लियो सजिटेरियस इनके बर्थ चार्ट पर हो सकता है, आप में से कुछ लोग इस शख्स के साथ फिजिकल हुए हो, क्योंकि मुझे इस वक्त एक सॉन्ग चैनलिंग हो रहा है उसी से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग फिजिकल हुए हो इस शख्स के साथ, और ये इंसान उस मोमेंट को काफ़ी याद करते हैं, यू नो, वो चीज़ वो भुला नहीं पाए हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके साथ ऐसा हुआ है, सबके लिए नहीं है। कौन है ये शख्स प्लीज़ मुझे बताइए। द हर्मिट उल्टा पकड़ा है शायद मैंने कार्ड्स को, या कौन है शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं। सन ऑफ वॉन्स, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ वॉन्स, एरिस्टो सजिटेरियस, वीरगो,
एंड एक्वेरियस यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो भी शख्स है इस वक्त हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये बहुत सी चीज़ों को जांच परख रहे हैं, वो जान रहे हैं स्पेशली कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया है, उन्होंने क्या गलती किया है, ठीक है ना। अपनी गलतियों को वो समझ रहे हैं इस वक्त एंड वो कहीं ना कहीं विश मांग रहे हैं आपसे रिलेटेड, भगवान से, कि ये जो भी जिनके साथ मैंने ये चीज़ गलत किया, अब मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सब कुछ सही हो जाए और ये जो पर्टिकुलर शख्स है वो मेरी लाइफ में आ जाए। कहीं ना कहीं वो अभी ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ। एक बहुत ही हैवी बर्डन वो फील कर रहे हैं, जो भी उन्होंने पास में किया था उन सभी चीज़ों को लेकर उनकी लाइफ इस वक्त काफ़ी स्टक है, ठीक है, काफ़ी स्टक है और वो काफ़ी बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ये शख्स काफ़ी बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, उनका लाइफ काफ़ी स्टक है एंड सम्हाउ मुझे ऐसा वाइब्स आ रहे हैं, ये जो भी शख्स है ये अपनी माँ के साथ बहुत अटैच है, अपने माँ के साथ, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। हो सकता है उनकी माँ इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हों, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट ये शख्स अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि वो अपने माँ की वजह से आपसे थोड़े आपसे दूर चले गए, यू नो, अपने माँ की वजह से शायद उन्हें लगा कि आपकी माँ, इनकी माँ के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इनकी माँ के साथ आपका नहीं बनेगा, यू नो समथिंग, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ये अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है और इस वजह से भी कई बार ये इंसान रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, ओके, कई बार इनके खुद के डिसीजंस नहीं होते हैं, इनके खुद के डिसीजंस खुद नहीं लेते हैं, ये अपनी माँ के ज़रिए ही लेते हैं। ये एक चीज़ मुझे इस शख्स का दिखाई दे रहा है, ओके। तो एक तो इनका वो एक भले ही ईगो है इनके अंदर, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू है इस शख्स के अंदर, ओके। ये खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पाते भले इनका एज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बट राइट नाउ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इससे उन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी पता चल रहा है, ओके। बहुत सी चीज़ों के बारे में इनको क्लियरिटी पता चल रहा है, इस वजह से ये शख्स अभी पछता रहे हैं और अपनी बहुत सी चीज़ों को वो एक कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। इनकी जो भी माइनस पॉइंट है, जो भी इनकी नेगेटिव साइड है, शैडो साइड है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वीकनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी इनकी वीकनेस है, कमजोरियां हैं, वो इसको जान रहे हैं इस वक्त। स्लोली प्रोसेस हो रहा है, स्लो हो रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्द ही अगर आपको प्रपोज कर देंगे, हो सकता है कर दे, लेकिन मुझे इस वक्त इनका प्रोसेस थोड़ा लेंथी लग रहा है, थोड़ा लंबा है और स्लो है, ओके, प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस। बट वो डेफिनेटली आएंगे इन फ्यूचर, ओके, नियर फ्यूचर में वो डेफिनेटली आएंगे, या डेफिनेटली। यहाँ पर डबल फाइव है यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो यहाँ पर 9 है, 10 है, और मैं बोल रही थी कि वो एक साइकिल एंड हो रहा है, कार्मिक साइकिल, या दैट्स वाई इस शख्स को इतना ज़्यादा इस वक्त पेन महसूस हो रहा है। धीरे धीरे इनके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएंगे और जैसे ही इनका एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे ये शख्स, वो आपके लाइफ में आ जाएंगे, वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे तब, ठीक है। और वो आपको बहुत ही खूबसूरत इंसान के तौर पर देखते हैं, उन्हें आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत पसंद है, आपका लुक्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी फेस, आपकी हेयर और आपकी फिगर इनको काफ़ी अच्छा लगता है, आपकी पर्सनैलिटी इनको काफ़ी अच्छा लगता है, ओके। स्पाई करते हैं आप दोनों ही एक दूसरे को, ये शख्स भी आपको स्पाई करते हैं, आप भी इन पर नज़र रखते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग, अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस येलो साइकिल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को कौन प्रपोज करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। ये जो शख्स हैं इनको समुंदर बहुत पसंद है, ओके, सी साइड इनको बहुत पसंद है, साथ ही साथ काफ़ी डीप थिंकर है, बहुत गहराई से सोचते हैं चीज़ों को, बहुत गहराई से परखते हैं, ओवरथिंक भी करते हैं ये शख्स, काफ़ी रोमांटिक मिजाज के इंसान हैं, थोड़े बहुत मुझे फ्लर्टिशियस वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि वो फ्लर्ट भी करते हैं, या तो आपके साथ पहले फ्लर्ट किया होगा इन्होंने, या फिर बाकियों के साथ भी वो फ्लर्ट करते हैं। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ये हल्का फुल्का ज़्यादातर लोगों के साथ वो फ्लर्ट करते हैं, ये जो भी शख्स है, ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ आप ही के साथ फ्लर्ट किया हो,
और भी लोगों के साथ इन्होंने फ्लर्ट किया है। ये जो भी शख्स है इनको आपकी तरफ आने में थोड़ा दिक्कत सा हो रहा है, दिक्कत आपकी तरफ आने में दिक्कत इनको हो रही है, कोई चीज़ इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। सबकॉन्शियस माइंड आई एम हियरिंग, इनकी सबकॉन्शियस माइंड या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो ऐसी प्रोग्रामिंग किया हुआ है जिस वजह से इस इंसान को आपके लाइफ में आने में रुकावट फील हो रहा है। हम सबकी सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम सबकी सबकॉन्शियस माइंड बचपन से एक अलग वे में ही प्रोग्राम किया जाता है हमारे माँ बाप के ज़रिए। हमारे माँ बाप, घर के माहौल, आसपास के माहौल, उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है। बट जैसे हम अवेकन होते हैं, हर कोई अवेकन नहीं होता, ये एक बात मैं बता दूँ। टैरो रीडिंग बहुत से लोग देखते हैं लेकिन हर एक सोल अवेकन नहीं है। टैरो रीडिंग देखने का मतलब ये नहीं है कि उस सोल का अवेकनिंग हो गया है, नहीं, अवेकनिंग बहुत कम सोल्स के ही होते हैं, हर एक का नहीं होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, जैसे ही लोगों का अवेकनिंग शुरू होने लगता है, लोग समझने लगते हैं कि अच्छा अच्छा क्या है, गलत क्या है, हमें बचपन से किस वे में पाला गया, वो सही था या गलत था, उन्हें समझ में आ जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है। जैसे हमारा अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक गलत वे में फीड किया गया था जिस वजह से अभी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो जैसे ही अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है लोगों का, उन्हें नॉलेज मिलने लगता है डिवाइन की तरफ से, तरह तरह की वीडियोज़ से, स्पिरिचुअल वीडियोज़ से, और लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। ओके, तो आपको और इस इंसान को भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, इस शख्स को तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन आप व्यूअर्स देख रहे हैं, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बार रीप्रोग्राम ज़रूर कीजिएगा। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी चीज़ें इंसान नेगेटिव डाला हुआ होता है बचपन से, बहुत सी चीज़ें कि ये करना पाप है, वो करना पाप है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इससे ये होता है, इससे वो होता है, ये वो ये वो, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया, रिलीजन सिस्टम हो गया, जेंडर को लेकर ही मानो बोल दिया तरह तरह के रूल्स के, लड़कियों के लिए ये नहीं है, लड़कों के लिए ये नहीं है, यू नो, इस तरह की जो चीज़ें बचपन से सिखा कर डाल दिया जाता है और लोग उसको बहुत फॉलो करते हैं बिना प्रूफ मांगे, बिना किसी लॉजिक के, वो उसको फॉलो करने शुरू कर देते हैं क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है उस हिसाब से, है ना। तो वो एक चीज़ है। तो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बहुत सी चीज़ें इंसान फिट कर देते हैं, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत से लोगों का ये डाला हुआ होता है कि लड़की 25 की हो गई तो मतलब बाप रे, अब लड़का तो मिलना मुश्किल है, लड़की 25 की हो गई तो भाई जल्दी से हाथ पीले करो वरना क्या होगा, हाँ कल को इसको लोग आंटी बोलेंगे, कौन शादी करेगा इससे। तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रोग्रामिंग होता है जो बचपन से लोगों का दिमाग में डाल दिया जाता है। जब इंसान अवेकन होने लगते हैं तब इस चीज़ को चेंज करते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो मुझे वो चीज़ दिखना कि इस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो ऐसी बातें हैं जिस वजह से इस इंसान को आपकी तरफ आने में प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ ऐसे थॉट्स है, पॉसिबिलिटी है कि कास्ट को लेकर ही शायद इनके मन में ख्याल आता हो कि हम दोनों का कास्ट अलग है तो कहाँ ये हो पाएगा। तो पहले से ही डिसीजन रिजल्ट के बारे में पहले ही मतलब सोच लिया कि रिजल्ट तो ऐसा ही आने वाला है, घर में कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, यू नो, उस तरह से सोच लेना, यू नो, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर रिच एंड पोअर वाला, एक इंसान बहुत रिच है, दूसरा मिडिल क्लास है, तो इस वजह से भी संकोच, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ ये चीज़। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी होती है जो इंसान के दिमाग में फिट रहता है और इंसान को लगता है कि नॉर्मल बात है, बट एक्चुअल में वो है नहीं नॉर्मल। तो इस वजह से इस इंसान को आपकी तरफ आने में दिक्कत हो रही है, ये जो भी शख्स है। इंसान काफ़ी लॉयल रहेंगे आपके साथ, भले ही अभी और भी लोगों को वो फ्लर्ट करते हों, लेकिन ये जिसके भी साथ कमिटेड होंगे उसके साथ वो लॉयल रहेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन, यानी पेज ऑफ वॉन। काफ़ी ऐसे इंसान हैं जिनके पास आइडिया बहुत है, इस शख्स के पास कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, और इस शख्स के पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है। क्रिएटिविटी के थ्रू ये काम करना काफ़ी पसंद करते हैं, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना काफ़ी पसंद करते हैं। आपसे एज में यंग भी हो सकते हैं, अगर आपसे एज में यंग नहीं भी है तो भी इनकी एनर्जी लेवल काफ़ी यंग है। इनका एज चाहे जितना भी हो जाए लेकिन इनका जो नेचर है वो काफ़ी यंग इंसान की तरह ही रहेगा, यंग कॉलेज गर्ल, कॉलेज बॉय की तरह, यू नो, वो रहेगा वाइब्स इनका, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनका वाइब्रेशन हाई रहता है ज़्यादातर टाइम इस शख्स का वाइब्रेशन हाई रहता है।
इनको खाने पीने का भी शौक है, भूख इनको बहुत ज़्यादा लगता है, ये मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी कौन है शख्स जो ऑप्शन टू के व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। इनकी स्माइल बहुत खूबसूरत है और लोग काफ़ी फिदा होते हैं, इनकी स्माइल की तारीफ करते हैं। कौन है शख्स? ओह माय गॉड, बहुत सारे गिरे, लेकिन मैं ये लूँगी द टावर। यहाँ पर भी येलो, देखिए यहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है। कौन है शख्स जो ऑप्शन टू के व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। एस ऑफ कॉइन, फाइव ऑफ वॉन्स, थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोग इस शख्स के साथ टेलीपैथी के लिए कनेक्टेड हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग टेलीपैथी के लिए कनेक्टेड हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे वाइफ सारे क्रिश्चियन हो सकते हैं ये शख्स, द स्टार, और मुझे मदर मैरी का वाइफ्स यहाँ पर मिल रहा है। मदर मैरी इनको काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, यहाँ पर है द मजिशियन, यहाँ पर है डेविल। ओके, मैं एक चीज़ बोल रही थी ना कि इस शख्स को कोई तो रोकता है, एक तो उनका सबकॉन्शियस माइंड मैंने बोला था राइट, और यहाँ पर देखिए इस लड़की के पीछे ये डेविल है, ये एक शेडो है, शेडो। और मैं इतनी देर से क्या बोल रही थी कि सबकॉन्शियस माइंड में इनके नेगेटिविटी डाला हुआ है, ब्लॉकेजेस है, इनकी सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इंसान आपके पास आने में टाइम लगाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी होने की वजह से लेट कर रहे हैं आपके पास आने से, ये मैं बोल रही थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डेविल है वो एक ब्लैक कलर का शेडो है, तो ये इस शख्स की नेगेटिविटी है, जो इनको नेगेटिव थॉट्स है जो इनको आपके पास आने से रोकता है। और यहाँ पर देखिए फायर है, यहाँ पर फायर है, यहाँ पर शेडो है इनका, नेगेटिव थॉट्स जो इनको रोकता है आपकी तरफ आने से। सी, जो बोल रही थी मैं वही आया है यहाँ पर। तो ये शख्स कौन है? यहाँ पर जो साइंस मुझे दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। एरिस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है, एक्वेरियस एंड कैंसर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, ये साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है फिलहाल, दूसरा डेक का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। ओके, आई होप ये कार्ड्स आपको दिख रहा हो, ये कार्ड्स थोड़े बड़े हैं बट मुझे बहुत पसंद है, कार्ड्स बहुत ही कलरफुल है। ओके, ये जो भी शख्स हैं, इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी हार्ड टाइम देखा है इस शख्स ने, ठीक है ना। और जहाँ तक मुझे लगता है आपके साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा टाइम देखा है, आप शायद और जानते हो इस शख्स को। ओके, डेफिनेटली बहुत से व्यूअर्स इस शख्स को जानते हैं, और आपने इनके साथ कुछ तो ऐसा बोला है, या इन्होंने आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है, कहा है, जिस वजह से थोड़ा बहुत धक्का तो डेफिनेटली लगा इस शख्स को। ओके, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है, बट ये शख्स काफ़ी अबंडेंट है, ठीक है, ये शख्स काफ़ी अबंडेंट है, यूनिवर्स के साथ काफ़ी कनेक्टेड मुझे वाइब्स मिल रहा है इस शख्स से। अच्छा, अगर आपको लगता है कि एनर्जी आपका है तो आप दूसरा ऑप्शन देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये तो आप ही है, ये आप ही की पर्सनालिटी है, तो आप दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन देख लीजिएगा। ओके, या तो ये इंसान यूनिवर्स के साथ काफ़ी कनेक्टेड है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये हाथ फैलाते हैं तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं, चाहे वो लव के मामले में हो या फिर करियर के मामले में हो, ये इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता है। और ये एक बहुत ही ब्लेस्ड इंसान है, ये काफ़ी ब्लेस्ड इंसान है, हो सकता है इन्होंने पास में बहुत स्ट्रगल देखा हो, लेकिन अभी ऐसा है इनका डिवाइन के साथ कनेक्शन इनका कुछ ऐसा है ना कि कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे, इनके पास पैसे प्यार हमेशा रहेगा। इनके लाइफ में फिलहाल थोड़े से स्ट्रगल चल रहा है नो डाउट, लेकिन पैसों के मामले में मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रगल नहीं दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। इनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और मुझे मदर मैरी नज़र आ रही थी, और मदर मैरी की ब्लेसिंग्स इस शख्स के साथ हमेशा रहता है, एक ऑरा, मदर मैरी की जो ऑरा है वो इस शख्स के अंदर है, एक सॉफ्ट ऑरा। हालांकि मुझे इस शख्स की दो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज मिल रहा है, तो ड्यूअल टाइप का पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रहा है, नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। ड्यूअल पर्सनैलिटी मीन्स समटाइम्स ये इंसान काफ़ी वाटर की तरह, काफ़ी सॉफ्ट, यू नो, सौम्य, यू नो,
नर्म मिजाज के हो जाते हैं और समटाइम्स ये इंसान बहुत ही फायरी बन जाते हैं, बहुत ही फायरी, फायर एनर्जी, नो वो एक चीज़ है। तो एक दो डिफरेंट तरह की एनर्जीज मुझे इस शख्स से मिल रहा है। ये इंसान बातें काफ़ी अच्छे करते हैं, बात करने में इनका काफ़ी मतलब अच्छा है, काफ़ी इनकी वॉइस भी अच्छा हो सकता है, पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी बातें काफ़ी अच्छी है या वह अच्छे से बात करते हैं एंड इनकी ज़्यादातर विशेस फुलफ़िल हुआ है इस लाइफ टाइम पर और आगे भी होगा। ये जो भी शख्स है, इस शख्स को शायद आप लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये शख्स भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये जो भी शख्स है नाइट टाइम पर इनको बहुत याद आता है आपका, ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं, इनके दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, मैंने बताया था और यहाँ पर भी सेम मैसेज मुझे आ रहा है कि इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। और मुझे टैरो रीडिंग के कुछ वीडियोस नज़र आ रहे थे जब मैं अभी बोल रही थी ना, तो मुझे टैरो कार्ड्स की मतलब डिफरेंट पाइल्स नज़र आ रहे थे। तो पॉसिबिलिटी है कि ये शख्स आपके लिए टैरो रीडिंग्स भी देखते हो, ओके, पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए टैरो रीडिंग्स भी देखते हो और डिफरेंट डिफरेंट रीडर्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बोलते हैं, तो इस वजह से इनके दिमाग में खिचड़ी बन जाता है कि इस रीडर ने तो उसके बारे में ये बोला, इसने तो उसके बारे में ये बोला, हाँ इसने ये बोला, इसने वो बोला, अब कौन सा बात सही है, यू नो, इस तरह से फिर वो और दो चार और वीडियोस देख लेते हैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, डेफिनेटली ये शख्स देखते हैं आपसे रिलेटेड टैरो रीडिंग जानने के लिए आपके बारे में, यू नो, वो एक चीज़ है, इस वजह से ही वो कंफ्यूज है कि वो आपके पास आए या ना आए, क्योंकि ऑलरेडी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स हैं, यू नो, सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी इनका ब्लॉक्ड मुझे नज़र आ रहा है, ब्लॉक नहीं कहूँगी, अलग वे में प्रोग्रामिंग किया हुआ है, दैट्स व्हाई भी ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं या मटेरियल चीज़ों के पीछे ये इंसान काफ़ी भागते हैं नहीं बोलूँगी, मटेरियल चीज़ों को लेकर इनका अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। मटेरियल चीज़ें जैसे कि रिच बनना, वेल्थी बनना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस पहनना, ज्वेलरीज कलेक्शन, यू नो, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं कि गाड़ी हो, बंगला हो, एक रॉयल थर्ड पार्ट से हम लोग रहे, यू नो, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मटेरियल चीज़ों के पीछे इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और ये इतना इजीली मटेरियल चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर भी लेते हैं। अगर अब तक इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें हासिल नहीं किया है तो इन फ्यूचर डेफिनेटली इंसान हासिल करने वाले हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये अपने आप में ही एक बॉस की तरह है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ये अपने मालिक है, ये ऐसा वाइब्स मुझे मिल रहा है। ये अपना सुनना पसंद करते हैं, ये दूसरों का ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, सुनेंगे ज़रूर लेकिन फॉलो ये खुद के इंट्यूशन का ही करेंगे, खुद के दिल का ही वो सुनेंगे कि उनका दिल जो करेगा वो वही करेंगे, वही बोलेंगे, ओके। थोड़ा रिबेलियस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, थोड़ा ज़िद्दी हो सकते हैं ये इंसान, ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, ये आपसे थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस में है या लॉन्ग डिस्टेंस में है ये शख्स, इनका मन बहुत करता है कि वो आपसे मिले, आपसे फेस टू फेस बात करें, बट स्टिल रुक जाते हैं वो। कौन है ये शख्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो ऑप्शन के व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, यहाँ पर हैंग्ड मैन है, ओके, सब अपना कार्ड, नाइन ऑफ कप्स, ओके। तो एरीज सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस है यहाँ पर। और जो चीज़ें मैं बोल रही थी ना कि आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे, सेम वही मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इनके पास चॉइसेस भी है, ठीक है ना, इनके पास ऑप्शंस हैं। मैं ये तो नहीं बोल रही कि ये ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, करते होंगे, बट उनकी नज़र मेनली आप ही के ऊपर है और ये आपके ऊपर जासूसी करते हैं, स्पाई करते हैं, दैट्स वाई वो चीज़ आ रहा था, या स्पाई करते हैं या आपके ऊपर नज़र रखते हैं। एंड किसी दिन बहुत फास्ट फॉरवर्ड ये शख्स आपकी तरफ आ जाएंगे, सडनली होगा वो चीज़, क्विकली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे और ये शख्स आपके पास आ गए, मतलब या तो मिलने आ सकते हैं, अदरवाइज कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, या तो फिजिकली मिलने आ सकते हैं या फिर कांटेक्ट करेंगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि इनका लुक्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक है इनका, या इनकी ऑरा का जो कलर मुझे दिख रहा है पिंक या फिर रेड कलर का हो सकता है इनका ऑरा, पिंक, रेड या फिर ऑरेंज,
पिंक होने के चांसेस कम है, रेड या फिर ऑरेंज कलर का इनका ऑरा हो सकता है या और या ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। समटाइम्स इनको आपके ऊपर गुस्सा भी आता है क्योंकि ये बहुत कुछ चीज़ें सोचते रहते हैं आपको लेकर, तो कभी कभी इनको गुस्सा भी आ जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो फटाक से आपको कांटेक्ट कर दे और कुछ बातें मतलब गुस्से में ही बोल दे। तो इनसे कांटेक्ट करते वक्त, बातचीत करते वक्त थोड़ा केयरफुल होकर बातचीत करें क्योंकि हो सकता है कि झगड़ा हो सकता है। ओके, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें कि आप लोग शांत होकर बातचीत करें। ओके, पॉसिबिलिटी है कि आप लोग को 222 एंजल नंबर काफ़ी दिखाई दे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, ऑप्शन नंबर 2। तो ये रहे आपकी रीडिंग, अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।